अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम बैक विद अनदर व्लॉग। और मुझे एक बड़ी 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 खुशखबरी मिली है कि जो मेरा सामान है वो दुबई में जो रह गया था वो घर पहुंच गया है। मुझे सुबह सुबह मामा ने बताया, मेरी ईमेल जो है उस पर एक ईमेल आई थी एमिरेट्स की तरफ से कि जी आपका सामान दुबई एयरपोर्ट से लाहौर पहुँच चुका है और अब हम उसे फैसलाबाद डिलीवर कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को अपना सामान दिखाती हूँ, पहले हमें चेक करना है कि सामान पूरा है या नहीं है। आई मिस्ड यू यार। मेरे साथ हुआ ये कि उन्होंने टैग लगाया, ठीक है, ये टैग लगाया यूके में, और उन्होंने मुझे एक स्लिप दी, जो वो स्लिप थी वो मैं भूल गई। जो उन्होंने मुझे बोर्डिंग पास दिया, मैं जब रिपोर्ट करवाने गई हूँ ना, मैं सॉरी ओ जन्नत ने नए कार्पेट्स लिए हैं। खैर, जब मैं रिपोर्ट करवाने गई, उन्होंने मुझे कहा जी आपके पास टैग्स हैं, मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा आपके पास आपका बोर्डिंग पास है जो आपको यूके से मिला था, इश्यू हुआ था, मैंने कहा नहीं, वो तो मैं दुबई में ही छोड़ रही हूँ। मुझे आइडिया नहीं था कि मेरा स्टे था 24 आवर्स से ज़्यादा, ठीक है। तो जब आपका स्टे दुबई में 24 आवर्स से ज़्यादा होता है तो आप लोगों को चेकआउट करना पड़ता है सारा सामान। से अच्छी लग रही, अच्छा। तो मुझे पता ही नहीं था जब मैं यूके जा रही थी तलहा के पास, तब जो था मेरा 19 आवर्स का था, तो मुझे उस वक्त इसकी ज़रूरत नहीं थी कि इसे चेकआउट किया जाए, बट अब मुझे करना था और मैं भूल गई। मैं वहाँ घंटा खड़ी रही हूँ कि जी अब मेरा सामान आएगा, अब आएगा, क्योंकि हमारी ये रवायत है जो कि कभी टूटी नहीं है कि जब हम कहीं जाते हैं वापस आते हैं, हमारा जो लगेज है ना वो सबसे एंड पे आता है। सब चले जाएंगे जी, हम वहाँ खड़े हुए हैं, सामान ही नहीं आ रहा, एंड पे आते। तो मैं इसी उम्मीद में खड़ी हुई थी कि जी सामान एंड पे आएगा, लेकिन नहीं है। उन्होंने एक ब्लॉक सा लगा दिया कि जी सामान ख़त्म हो गया। अब मेरी हवाइयाँ उड़ गई, मैंने कहा नहीं ऐसे हो नहीं सकता, आप दोबारा चेक करें। उन्होंने दोबारा चेक किया, कुछ भी नहीं था। फिर उन्होंने कहा जी चलो आप ना ऐसा करें, आप आए, आप रिपोर्ट करवा दें सामान। अब मैं ये समझ गई थी, मैं ये चीज़ समझ गई थी कि जी मेरा जो सामान है ना वो दुबई एयरपोर्ट पर है। मैंने उन्हें कहा ऐसे 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 ऐसे, उन्होंने चीज़ें मांगी, मेरे पास नहीं थी, कहते फिर अब तो आपका सामान मिल ही नहीं सकता, ना आपके पास टैग्स हैं, ना आपके पास बोर्डिंग है। मैंने कहा मेरे पास फ्लाइट नंबर है, मेरे पास दुबई टू लाहौर का बोर्डिंग पास है, वो मैंने ऑनलाइन ही चेक इन कर लिया था होटल से ही। फिर जी कर कर आके ये आ गई है। अब मैं इसे खोल के देखूंगी कि इसमें सामान पूरा या नहीं। चले लेट्स ओपन इट। मैं कुछ ना कुछ करके इसे सेट करती हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ। ये सही है, हो गया सेट। ओके, दिस इज 25 किलो। अब क्या करूँ, इसको कैसे खोलूँ। मुझे इसका नंबर भी नहीं आता। ये क्या हुआ, एक मिनट मैं मामा को लेकर आती हूँ। उन्होंने मेरे ख्याल से दुबई वालों ने ये कर दिया है। अब मैं मामा से पूछती हूँ कि इसका क्या करना चाहिए, कैसे होगा चेक। अब हम लोग चेक करेंगे कि हमारे पास सारा सामान है, यानी मेरा सारा सामान है या नहीं। मुझे सबसे ज़्यादा मेरे मेकअप का है, मेरे परफ्यूम्स का है, और एक आप लोगों को अगर याद हो मैं भी रिसेंटली अल्टन टावर्स गई थी, अल्टन टावर्स आई डोंट नो, तो वहाँ पे मैंने एक वो चिली मिली टाइप ली थी। अच्छा, इसमें मैं अपनी एक, हाँ सही है, मैं एक ही जीन्स लेकर आई हूँ। ये मेरा सारा मेकअप, सारा तो नहीं आता, मेरे गुची के बैग में था, ये रहा। इसमें एक ब्लश अलिश्पा का, एक ब्लश जन्नत का है, ये मेरा और अलिश्पा, नहीं ये मेरा और जन्नत का है। मैं पहले सारा मेकअप चेक कर लूँ। ये तीन चीज़ें भी पूरी हैं, ये भी पूरा है, सही।
ये वो लिपस्टिक थी मेडोरा की पिंक जो मुझे बहुत पसंद है, और ये मैंने दुबई लेके जानी थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं रेड वाली ले गई। अच्छा इसमें ये सब है, ठीक है। हाँ ये भी है। वहां से ऑलमोस्ट सब कुछ ही ले आई हूँ। ये मेरे शूज, ये आज पहन लेती हूँ, अच्छे लगेंगे इसके साथ। दिखाऊँ आप लोगों को, प्यारे हैं ना ये? ये पहन जाती हूँ, इजी भी हैं, कंफर्टेबल भी हैं। अच्छा जी, ये फिर ये मेरे ईद का नहीं, सॉरी, दावतों पे पहनने वाले वो सूट थे, ये भी पूरे हैं। ये बिल्कुल नया है जो मैंने अभी तक पहना नहीं। मेरा परफ्यूम टूटा नहीं। इसका कैप कहाँ है? इसका कैप कहाँ है? ये रहा, आई लव यू। इसका ये भी मेरा फाउंडेशन, ये ब्रश, ये बालों का। फिर जी यार, मैंने और भी रखे थे, मेरा गुची का कहाँ है? ना यार, अल्लाह रहम करे, दवाई मेरी दूसरी साइड पे होगा, है ना? दूसरी साइड पे चेक कर लेते हैं। अल्लाह अकबर। इसमें जी ये रही वो मिर्च, ये पता नहीं कितने किलो की होगी। टड़ा। अच्छा अब ये रहा एक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये दो चीजें, ये पूरा सेट कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। इसका रोल ऑन मैं भूला ही हूँ, ये भी अनटच्ड है मेरा, ठीक है। ये हेयर प्रोटेक्टर, हीट प्रोटेक्टर सॉरी, मेकअप रिमूवर। गुची का कहाँ है यार? मैंने अपने हाथों से रखा है। शूज, या अल्लाह, नहीं प्लीज प्लीज नहीं, प्लीज नहीं। मुझे ये मेरी ज्वेलरी, अल्लाह पाक ऐसे नहीं, प्लीज मेरा गुची का वो ना गया हो, मेरा दिल बंद हो जाएगा। लैशेस, ब्रशेस, मेरे हेयर सीरम, मास्क है सॉरी, ये सारा निकाल के देखती हूँ। ना यार, अल्लाह पर प्लीज नहीं, मेरा गुची का परफ्यूम नहीं है इसमें, मेरा गुची का परफ्यूम नहीं है। मुझे तला को कॉल करनी चाहिए। मेरा क्लोन, अल्लाह करे तो ना कहें कि गुची का मेरे पास है, ये तुम भूल गई थी यहाँ। प्लीज प्लीज अल्लाह पाक प्लीज।
मैं तलहा से पूछती हूँ, अल्लाह करे उनके पास हो। जिन दो चीज़ों का डर था, एक मेरा परफ्यूम नहीं है गुची का जो मुझे बहुत पसंद है, और एक मेरा कंसीलर टू फेस्ड का, वो दो चीज़ें नहीं है इसमें। एंड आई फील सो बैड। जिन चीज़ों का मुझे परफ्यूम्स और मेकअप का ही था, और वो दोनों चीज़ें ही नहीं है। सारा देख लिया। मैं तलहा को कॉल करके पूछूंगी कि अगर उनके पास है, वरना अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह पाक के हर फैसले में बेहतरी होती है। बाय।